हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? ये देखिए, एक मैं ये लगभग 12 इंची के पॉट में मिट्टी के बनाना मैंगो या ऑल टाइम काटीमान है, ये मेरा पौधा देख रहे हैं आप। ये बिल्कुल ड्राई हो गया था, किसी भी तरीके से मैंने इसको जिंदा किया। और फिर इसमें देखिए, दो दो चार एक पांच ब्रांच आए थे। और इसमें फिर देखिए, ये इसमें वो मोजर जो है बहुत आया हुआ है। और देखिए, अब ये तो फ्रूट्स आने के बाद पता चलेंगे कि ये ऑल टाइम काटीमान है या बनाना ऑल टाइम है, क्योंकि मैं एक ये पौधा और एक ये पौधा देखिए, ये दोनों एक साथ मंगाया था, लेकिन इसमें से टैग निकल गए हैं। और जो है पौधा, तो ये मेरा काफ़ी ड्राई हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये बच पाएगा, लेकिन किसी तरीके से मैं इसे जो है ज़िंदा किया। और अब धीरे धीरे इसमें नए ब्रांच आए हैं, और जो है आप देखिए, इसमें मोजर भी आया हुआ है। और इसमें देखते हैं फ्रूट सेट होता है या नहीं होता है जो है, तो मैं आपके सामने आज ले आ रहा हूँ। आज अक्टूबर महीने की 13 तारीख है, मैं 3-4 दिन से बाहर था और मैं अब आया हूँ, तो मैं इसे देखा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि सभी को मैं इसके बारे में अपडेट करूँ। और देखिए कितना बढ़िया जो है मोजर आया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे प्लांट मेरे पास मैंगो के हैं, बड़े बड़े भी हैं, सब में नए शूट्स आ रहे हैं। जो इस तरीके से देखिए, बहुत सारे प्लांट हैं मैंगो के, और किसी में नए शूट्स आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं, जो है कुछ में आके पुराने हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये भी देखिए नए शूट्स हैं, ये सब इस तरीके से। इसमें जो है, अब ये अगर फ्रूट सेट होता है तो उसके बाद जब फ्रूट बड़ा होगा तभी पता चलेगा कि ये ऑल टाइम काटीमान है या ऑल टाइम बनाना मैंगो है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।